आपण मानक स्वागत करुच्ची एम एस स्टडी सेन्टर को। फ्रेंड्स जदि आपड़ एपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को दबातु कारण आपड़ सठिक टाइम सठिक इनफर्मेसन पाई। फ्रेंड्स आज आप भिडर थंबनेल देखि जापे आम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम पंजीकरण विषय जाना। नाम पंजीकरण केउटी होइथाय? नाम पंजीकरण प्रथमतः आपण निज निजर जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी हेडक्वार्टर नाम पंजीकरण होता है। आपण ये जो देखुं स्क्रीन माध्यम जो पीडीएफटा देखुं यहाँ जनकर नाम पंजीकरण पीडीएफटा देखो नाम पंजीकरण करा अच्छी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज केन्द्रापड़ा यहाँ हो नाम पंजीकरण। आपण जो नाम पंजीकरण करेंगे आपण को एमती एक फर्म मिल जहाँफल ये देखो लिखाई थोड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर नेम फादर नेम रजिस्टर नंबर टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखाई से गोटा हूँ मेन। आपण मानक प्रश्न आसो नाम पंजीकरण केत करी देखो आप जानते हैं ओडिशा पुलिस आग को बहुत गुड़िया वैकेंसी आसूरी जहाँफल जार मुझ पूर्व भिडियो कर आपण मैंने जब ओडिशा पुलिस जावाक चाहूँ प्रथम आप नाम पंजीकरण निहाती करनी केतबाला नाम पंजीकरण करेंगे ना जपर्त आडभटाइज बाहर ता पूर्व आप नाम पंजीकरण करेंगे कितु आडभटाइज वन्स बाहरी गला जी आप नाम पंजीकरण करते फर्म पकेबे से आप फर्म रिजेक्ट हो किसी पिला मनरे प्रश्न आसूचे सर मुझ नाम पंजीकरण करनी कौन एग्जाम दे पारे आप नाम पंजीकरण करना जेहेतु एवं जो पुलिस आमर रिपोर्ट आई प्रथम रिटिन एग्जाम हो आप एग्जाम दे पारे कितु रिटिन एग्जाम पर जो आप फिजिकाल एग्जाम एग्जाम को जी से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से टाइम आपत नाम पंजीकरण कराई नए आपठू कटिजे तेणुक आप प्रथम कौन करूँ ना प्रथम एपर्त आपर समय अच्छी पोस्ट बाहर बाहर पूर्व प्रथम आप नाम पंजीकरण कर दिंतु थे तो नाम पंजीकरण कले तीन वर्ष तार भैलीडी रोच प्रथम आप नाम पंजीकरण कर दिंतु आउ कि पिला मन रहा कौन कि सर आम क्यों डिस्ट्रिक्ट नाम पंजीकरण करूँ क्योंठार डिस्ट्रिक्ट जो आम पुलिस बाहर वैकेंसी बाहर क्योंठार देवु प्रथम तो आप सब बड़े चेष्टा करूँ निज डिस्ट्रिक्ट ओन डिस्ट्रिक्ट नाम पंजीकरण करातु कारण अलग डिस्ट्रिक्ट नाम पंजीकरण कराइए जातु ना कि अलग डिस्ट्रिक्ट जो बाहर आम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल बाहर आप सब प्रिफर करूँ चॉइस दिखाँ आगे प्रथम आप डिस्ट्रिक्ट देते हाँ आप नाम पंजीकरण कराइपारे अलग डिस्ट्रिक्ट देपर कौटी नाम गोटे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अच्छी कौटी ना भुवनेश्वर भुवनेश्वर से मैंने कौन मैंने करेंगे ना से एससी एसटी एससी एसटी जे बिलंगस करेंगे से मैंने कौन करेंगे नाम पंजीकरण कराइपारे से नाम पंजीकरण करवा द्वारा कौन करेंगे ना सेमाने ओडिशा रा जेते डिस्ट्रिक्ट अच्छी जोड़ी पाइबे सेठी सेमाने फॉर्म पके एग्जाम दे पारे आउ किछि पिला मध्ये अछन्ते सेमाने प्रश्न करूछन्ते कि सर मु दशम रे नाम रजिस्ट्रेशन करथिली आ प्लस टू रे करिनी केमिति कोन हबो सेमिति किछि नै आपण नाम रजिस्ट्रेशन करछन्ते प्लस टू रे करना किछि नै आपण पाखरे गोटिए रजिस्ट्रेशन नंबर अछि सेही रजिस्ट्रेशन नंबर टा देखैबे सेमिति किछि नै दशम हो कि प्लस टू हो कि ग्रेजुएशन हो जेमिति आपण नाम रजिस्ट्रेशन टा करथिबे जार वैलिड थिबो माने वैलिड माने तीन वर्ष भितर आपे आपड़े तार वैलिड तीन वर्ष पर ना मुझे हमें एवं आम डिस्कसन कराया रेन्युअल विषय रेन्युअल विषय कौन ना रेन्युअल ना रजिस्ट्रेशन रेन्युअल केत वर्ष थाए ना रजिस्ट्रेशन रेन्युअल होनि वर्ष ये देखते ये पीडीएफ अच्छे तीन वर्ष देखो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 14 जुलाई 2021 नेक्स्ट रेन्युअल डेट देखते देखिए 8 नंबर पॉइंट जुलाई 2024 माने तीन वर्ष धर आप जुलाई 2024 सरी जाऊँगी तीन वर्ष पर आप ना रजिस्ट्रेशन आप सरी जाइए आप भूल रेन्युअल करना हो गला 5-6 वर्ष आप रेन्युअल करेंगे कि हाँ आपे आप एम्प्लॉयमेंट अच्छी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अच्छी सिटी की जी सिटी पचारे से तो रेन्युअल करते भल कथा यदि न कले पुणी पूर्व जमी पुराणा हिसाब से नुआ ना रजिस्ट्रेशन करते सेमती आउ थे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे सबुठ इम्पोर्टेंट है जो आम जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना रजिस्ट्रेशन में नाम पंजीकरण करमी करा उभय आपन ऑफलाइन करेंगे ऑनलाइन करेंगे ये आपरे समय अच्छी ऑनलाइन विषय किसी एत ज्ञान ना आप ऑफलाइन जाए निजे कर दिंतु जदि समय ना आप ऑनलाइन करेंगे कि बोथ उभय ऑफलाइन हो पार और ऑनलाइन हो पार यही वीडियो रे सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट होते आपन जदि कटक कौन से खोर्धा दुईट डिस्ट्रिक्ट मन रखन कटक खोर्धा डिस्ट्रिक्ट आपन बिलंगस करछनी आपन नाम रजिस्ट्रेशन जोटि भी करथांदु से भुवनेश्वर स्पेशल ब्रांच करथांदु कि आपनकर डिस्ट्रिक्ट रे हेडक्वार्टर करथांदु आपन दुई जगह रे फॉर्म पकेबारिए
ओबीसी ହୁଅନ୍ତୁ ଏସସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏସସି ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା କେଉଁଠି ନା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁଟା ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ନା ଆପଣ କଟକର ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ କଟକ ଦେଇପାରିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଇପାରୁ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଇପାରିବୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗା କେଉଁଟା ନା ଜିଆରପି କଟକ ଆଉ ଜିଆରପି ରାଉରକେଲା ସେ ଦୁଇଟି ଜିଆରପି ଆମର ଅଛି କଟକ ରାଉରକେଲା ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତିନି ଜାଗା ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜ ଓନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଟକରେ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଜିଆରପିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଆମର ରିଟିନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକାଲ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଟୋଟାଲ ରିଟିନ୍ରେ ମାଇନସ୍ ମାନେ କେତେ ଚାପ୍ଟର ଏ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସେ PDF ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ମାରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।